हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम अपना एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं। इस कोर्स का नाम है मैपोलॉजी, यानी कि हमने इस कोर्स के अंदर पढ़ने हैं मैप्स। मैप्स को हम जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में पढ़ेंगे, पर इतना डिटेल में भी नहीं जाना है हमने कि हम अपने जो हमारा समझने का पर्सपेक्टिव है वो भूल जाए। ठीक है, तो हमारा ये जो पूरा कोर्स है वो जिन चीज़ों पर बेस्ड रहेगा, दे आर एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज कौन कौन सी? 6 से लेके 12 तक। ठीक है, 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी प्लस एटलस। जो एटलस, कोई भी आप एक एटलस जो आपके पास अभी है, कोई अवेलेबल है तो आप वो देख सकते हैं। प्लस अगर एक जो सबसे अच्छी जो एटलस रहती है, जो मैं भी यूज करती हूँ, दैट इज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो मैं यूज करती हूँ। उसके अलावा भी अगर आप कोई और एटलस अगर यूज करते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, वो सही अच्छी बात है। और एनसीईआरटी अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आपके पास सॉफ्ट कॉपीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप उनको डाउनलोड करके उनसे देख सकते हैं। बाकी आपको इस कोर्स के बाद उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जितना मैप्स को समझने के लिए या मैप्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर आपको मिलेगी, उतनी हम ऑलरेडी आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो डोंट वरी एट ऑल, एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस न्यू कोर्स, टू दिस न्यू सीरीज ऑफ आवर्स व्हिच इज मैपोलॉजी। हमारे ऑलरेडी अभी तक 2 कोर्स चल रहे हैं, राइट? अगर आप देख रहे हैं डेली, तो द हिंदू का डेली कोर्स चल रहा है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, द हिंदू के एडिटोरियल्स जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं। प्लस उसके अलावा हमारा जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स जो है वो ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। ठीक है, तो अब हमने जब एक बार करंट की तरफ से नजरिए से देख रहे हैं और हमने हिस्ट्री के नजरिए से देखते हैं, तो एक बार हम ज्योग्राफी को भी समझ लेते हैं। ज्योग्राफी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? बिकॉज आपको किसी भी चीज को समझना है तो आपको उस चीज की किस तरीके से वो एग्जिस्ट करती है उसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मान लीजिए इस इसराइल और पैलेस्टीन के रिलेशंस को पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, तो आपको उनकी लोकेशन कहाँ पे है, किस तरीके से वो एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे उनकी बाउंड्रीज हैं और किस किस कंट्रीज पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए उसकी लोकेशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप डायरेक्टली इन चीजों पर जंप करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें जो है वो मिस कर देंगे। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, पर एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे कि ये सब चीजें एक्चुअली है कहाँ कहाँ और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते जल्दी से चलते हैं और अपना आज का जो ये लेक्चर है वो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट चीज है जो हमने समझनी है वो है अर्थ की शेप। अर्थ की शेप को हम जियोइड शेप कहते हैं। जियोइड शेप क्यों कहते हैं? बिकॉज अर्थ की शेप को हम किसी और स्फीयर से या किसी भी चीज से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ जियोइड शेप। जियोइड शेप का बेसिकली मतलब क्या है? एक स्फीयर स्फेरिकल शेप है विच इज फ्लैटेंड एट पोल्स। मतलब अगर आपने बचपन में कभी भी स्फीयर्स पढ़े हैं, तो स्फीयर होने का क्या मतलब है? एक बॉल जिस तरीके से होती है चारों तरफ से, बिल्कुल सेम तरीके से आप उसका रेडियस होता है। अगर आप मिड पॉइंट कोई भी ले लो तो वहां से उसका किसी भी तरफ 3D फिगर के अंदर आकर आप देखेंगे, तो कहीं पे भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो बिल्कुल सेम आएगा। पर जियोइड शेप होने का मतलब ये है कि अगर आप वहां से मिड में जाएंगे, मतलब अगर आप इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो वहां का डिस्टेंस तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बट अगर आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहां का डिस्टेंस उससे कम आएगा। मतलब अर्थ इज मोर फ्लैटेंड, यहाँ पे से पोल्स इक्वेटर के पास से थोड़ी सी ज्यादा उभरी हुई है, बड़ी है, और पोल्स की तरफ से थोड़ी सी फ्लैटेंड है, मतलब थोड़ी सी नीचे की तरफ हो रखी है। तो इस तरीके की शेप को आप जियोइड लाइक शेप कहते हैं। सो अर्थ की शेप के ऊपर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट आती है, तो अर्थ इज नॉट स्फेरिकल, इट इज जियोइड शेप। ओके, सो इस जियोइड शेप को समझने का सबसे बेहतर तरीका है ग्लोब को समझना। ग्लोब क्या? इट इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ को एक मिनिएचर फॉर्म के अंदर जो दर्शाता है उसको आप ग्लोब कहते हैं। ठीक है, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन। इसके एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट किया जा सकता है। ओके, एंड इसके अंदर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बिल्कुल उनके करेक्ट साइज में ही दिखाए जाते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट इज ग्लोब। और इसका एक्सिस क्या है? एक्सिस है ये वाली लाइन जिसके अक्रॉस ये रोटेट करता है। तो ये एक्सिस क्या? इट इज द मिडल विच इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। और ये टिल्टेड कितना होता है? अगर आप एक 90 डिग्री पे अगर आप लाइन देंगे तो उससे ये अराउंड 23.5 डिग्री टिल्टेड होती है। 23.5 डिग्री टिल्टेड ये लाइन होती है। ठीक है, तो ये टिल्टेड को ही इसी तरीके से ही ग्लोब के अंदर दिखाया जाता है। इसको 23.5 डिग्री पे क्यों रोटेट किया गया? बिकॉज
अर्थ ऐसी ही दिखती है। अगर आप अर्थ के ऊपर अर्थ को देखेंगे ऊपर से कभी भी स्पेस से, तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और जो उसका साउथ पोल है वो एक्चुअली 90 डिग्री से थोड़ा सा इधर दिखेगा आपको। थोड़ा कितना है वो? 23.5 डिग्री। ठीक है, तो टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच दिस नीडल पासिस आर टू पोल्स, विच इज दिस पोल इज नॉर्थ पोल एंड दिस पोल इज साउथ पोल। ओके, तो अब जल्दी से हम इसके आगे समझ लेते हैं। इस ग्लोब को अगर हम थोड़ा सा फ्लैटेंड करके देखें तो कुछ ऐसा सा हम इसको खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे कहीं पे कुछ कुछ कंट्रीज जो है वो लाई करेंगी, राइट। और इसको जो बिल्कुल मिड से जो लाइन कट अक्रॉस करेगी दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर, राइट। इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री पे एक लाइन है जिसको कि हम बिल्कुल मिड में से जो अर्थ को कट करती है दैट इज इक्वेटर। इस इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं जो यहाँ से इधर की तरफ जाएंगी और यहाँ से इधर की तरफ जाएंगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल पैरेलल लाइंस ऑब्वियस है, बचपन में आप सबने पढ़ा है, राइट। पैरेलल का मतलब क्या है? जो कि कहीं पे भी इसको कट अक्रॉस नहीं करेंगी, तो उन सब लाइंस को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, जिनकी की एक्सटेंशन होती है इधर ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इधर ईस्ट से लेके इधर, सॉरी इधर ईस्ट नहीं, इधर वेस्ट आएगा, इधर वेस्ट से लेके इधर ईस्ट तक, राइट। एंड और इनको जो हम अगर हम इन टर्मिनोलॉजी करेंगे, मतलब अगर हम इन्हें नाम देंगे तो दिस विल बी टर्म्स एज नॉर्थ ऊपर की तरफ एंड साउथ नीचे की तरफ, मतलब 20 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री साउथ, 25 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, इस तरीके से नीचे नीचे जाएगा सारे सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। और ऐसे ही 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ, ऊपर ऊपर जाएगा ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, इनका एक्सटेंट रहता है वेस्ट से लेके ईस्ट तक, बट इनको हम जब टर्मिनोलॉजीज देते हैं, जब हम इनका नाम लेते हैं, तो ये नॉर्थ और साउथ के टर्म्स में इनका नाम जो है वो लिया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी चार इक्वेटर्स है, जो चार इक्वेटर्स नहीं, इक्वेटर तो एक ही है हमारा, चार लैटिट्यूड्स है जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, दे आर दीज 23.5, 66.5 नॉर्थ एंड 23.5 एंड 66.5 साउथ। इस वाली लाइन को जो 23.5 नॉर्थ है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आपको ये सब चीजें बहुत ही बचकानी या बच्चों वाली लग रही है कि अरे ये क्या पढ़ा रही है या क्या है, तो जस्ट एक बार इनको समझ लीजिए ध्यान से। उसका रीजन ये है कि आप में से कुछ को ये चीजें बहुत अच्छे से आती होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इसका सोर्स बताऊं आपको कि ये सब चीजें कहाँ पे दी गई हैं, और जिसको ये नहीं पता तो वो 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर आपको ये सब चीजें दी गई हैं, जो जो चीजें मैं बात कर रही हूँ आपसे। पर अगर आपको, क्योंकि हम जब एनसीईआरटी जब हम बचपन में इन चीजों को पढ़ते हैं तो हम उतना ध्यान से इनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, उतना ध्यान से वो चीजें नहीं देखते हैं जो हमें एक्चुअली समझनी चाहिए। तो इसके कारण, सॉरी फॉर दिस वॉइस जो अभी पीछे से आ रही थी, रियली सॉरी फॉर दैट। एंड प्लस अगर हम देखें तो अगर ये 6th की क्लास की जगह हम एनसीईआरटी में देखें तो ये सब चीजें फैक्ट्स ऑलरेडी दिए गए हैं, तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनको कि तब से फैक्ट्स याद होंगे। बट अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो जब तक मैंने एक्चुअली आगे बढ़ के पढ़ाई को ध्यान से समझना शुरू नहीं किया था तो ये चीजें पढ़ी पढ़ाई भी कुछ समझ में नहीं आती थी। तो इसीलिए इन चीजों को फिर से रिवाइज कराया जा रहा है। तो अगर आप में से किसी को भी बहुत अच्छे से आती है तो वेल एंड गुड, आप इनको एक बार समझ सकते हैं, आप एक बार फिर से अपने फैक्ट जो है वो उनको रिवाइज कर सकते हैं, और जिनको नहीं आती है वो इनको चीजों को साथ साथ समझते रहिएगा। सो इक्वेटर जो है उसके लिए इससे रिगार्डिंग क्या क्या फैक्ट हमने समझे, पहली चीज तो ये इक्वेटर दो पार्ट में डिवाइड करता है अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। और ये इक्वेटर के पैरेलल कुछ लाइंस जाती है उनको आप क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनका एक्सटेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, पर इनका जो नाम है, इनका जो नेमिंग है वो नॉर्थ और साउथ के तरीके से दिया जाता है। और चार इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो इक्वेटर के पैरेलल लाई करती हैं दे आर दीज 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड देन सिमिलरली 66.5 नॉर्थ आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 साउथ एंटार्कटिक सर्कल। ओके, सो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो जल्दी से लैटिट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर जो है वो क्या है कि इमेजिनरी लाइन है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अर्थ पर जाएंगे तो जहां जहां पे से इक्वेटर पास हो रही थी, मान लीजिए अगर आप इक्वेटर को देखें तो यहाँ कहीं पे ब्राजील कंट्री जो है वो लाई करेगी, राइट। तो अगर आप ब्राजील में जाके देखेंगे तो ब्राजील में आप देखेंगे तो आपको एक लाइन लगी दिखेगी इक्वेटर वाली, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब के ऊपर रन कर रही है, जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, विच आर नॉर्थ
नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, और इस 0 डिग्री पे अगर ये इक्वेटर जो है वो लाई करता है, तो इससे अगर आप ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल, एंड इससे ही 0 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, साउथ पोल। ठीक है, इन लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स। ठीक है, इसी के कारण इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो मेजर पैरेलल्स ये चार है हमारे, जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। उसके अलावा डिग्री ऑफ लैटिट्यूड चेंजेस स्लाइटली इन लेंथ फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। अब इसका इसको समझने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि जब आप इक्वेटर के पैरेलल जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री के बाद सीधा 23.5 डिग्री आप आएगी, उसके बाद हम धीरे धीरे जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, एंड ऐसे करते करते आप 23.5 के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, एंड सिमिलरली है राइट, तो ये 0 डिग्री से 1 डिग्री तक अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, अगर हम ऑन अर्थ जाएंगे तो अगर हम 1 डिग्री मेजर को अगर आप माप रहे हो तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर डिस्टेंस। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस जो है वो इक्वेटर के पास थोड़ा सा कम होता है और पोल्स के पास थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब लगा लीजिए बस 111 से 0.4 कम और 111 से 0.3 अराउंड 0.7 ज्यादा। ठीक है, तो यही था हमारा जितना कि हम लैटिट्यूड्स के बारे में समझ सकते थे, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए, इससे ज्यादा और समझोगे भी क्या। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप कुछ भी बुक उठा के देख लो लैटिट्यूड्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, यही चीजें ऊपर नीचे करके यही कुछ दिया गया होगा उसके अंदर। उसके अलावा आपको कुछ भी मिलता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस जो हमारा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है लैटिट्यूड्स को समझने के बाद, दे आर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। एक बार अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हो कि लैटिट्यूड्स का फर्क क्या पड़ता है हमारे अर्थ के ऊपर, तो दिस इज दिस थिंग। तो इसके कारण अर्थ जो है वो 3 जोन्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अर्थ को 3 जोन में डिवाइड करने का मतलब क्या, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज आर्कटिक सर्कल, एंड ऐसे नीचे आप जाओगे तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज एंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो आप अगर इनके बीच के जोन्स को देखेंगे तो ये जो एक ट्रॉपिक से लेकर ट्रॉपिक तक का जोन है उसको आप टोरिड जोन कहते हैं, टोरिड जोन। इसके अंदर क्या है कि मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर, एक साल में एक बार कम से कम जो सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड रहेगा। ठीक है, ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी के बेसिस पे आप जितने भी अगर आप क्लाइमेटिक जोन्स की डिविजन देखेंगे तो वो इसी पॉइंट के बेसिस पे की जाती है, इसी पॉइंट के इन्हीं जब सब चीजों के ऊपर जो डिविजन है वो की जाती है। और कहीं बहुत जगह ये नाम आएगा ट्रॉपिकल जोन या टोरिड जोन के नाम से इसे जाना जाता है, और इसको टेम्परेट जोन और इसको फ्रिजिड जोन या फिर पोलर जोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट जोन क्या है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कहाँ से लेके कहाँ तक आता है, ऊपर वाले अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और नीचे वाले के अंदर देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल के बीच में। तो इस जोन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। इस जोन के अंदर कभी भी सूरज जो है वो ओवरहेड नहीं होता, मतलब बिल्कुल सर के ऊपर शाइन नहीं करेगा कभी भी, जैसा कि इसके अंदर हमने पढ़ा था वो यहाँ नहीं होगा। और जैसे जैसे आप यहाँ से पोल्स की तरफ जाते रहेंगे, सन के रेज का जो एंगल है वो डिक्रीज करता रहेगा, मतलब क्योंकि सन जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे शाइन करते हैं 23.5 के सामने। ठीक है, तो वहां से अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाते जाते सन का एंगल जो है वो डिक्रीज जो है वो करता रहेगा। ठीक है, इसलिए इस पूरे एरिया के अंदर आपको मॉडरेट टेम्परेचर्स मिलते हैं, ना ज्यादा कम जाएंगे ना ज्यादा हाई जाएंगे। ओके, उसके बाद हम जाते हैं फ्रिजिड जोन के ऊपर। फ्रिजिड जोन आर वेरी कोल्ड, ये कहाँ से कहाँ तक है, हमारे आर्कटिक सर्कल के ऊपर और एंटार्कटिक सर्कल के ऊपर। ठीक है, इन एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा कोल्ड रहते हैं एंड सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन, और सन जो है बहुत बार ऊपर दिखाई भी नहीं देता है। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग
एंड प्रोवाइड लेस हीट, इसलिए इनके अंदर हीट बहुत ज्यादा कम रहती है इस एरियाज के अंदर. सो दीज वर हीट जोन ऑफ अर्थ, जो कि आपको तभी समझ में आ सकते हैं अगर आपने लेटिट्यूड्स की लोकेशन, स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स की लोकेशन को अच्छे से समझ लिया है. अब लेटिट्यूड के ऑपोजिट क्या चीज होती है? लेटिट्यूड के ऑपोजिट होते हैं लॉन्गिट्यूड. लेटिट्यूड मतलब कुछ लेटी हुई लाइन्स, राइट, जो ये वाली लाइन्स आप देख रहे हैं, और लॉन्गिट्यूड मीन्स कुछ खड़ी हुई लाइन, दीज लाइन्स जो ये आप यहाँ पे से यहाँ तक देख रहे हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स. ओके, तो लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग लाइन्स. अब जैसे हमने लैटिट्यूड्स के अंदर पढ़ा था उनका एक्सटेंट क्या होता है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, राइट, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स का एक्सटेंट क्या होता है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, या फिर साउथ से लेके नॉर्थ तक. और इनको आप मेजर किन टर्म्स में करेंगे, वेस्ट और ईस्ट के टर्म्स में, मतलब 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे 40 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट, इस तरीके से आप इनको मेजर जो है वो करेंगे. अब जैसे इक्वेटर जो था वो बीच में 0 डिग्री पे था, तो उसको हम क्या, जो 0 डिग्री पे था उसको हम इक्वेटर कह रहे थे, राइट, 0 डिग्री लैटिट्यूड को. ऐसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन यानी कि GMT के नाम से भी जानते हैं. सो इट इज द वन ऑफ द मेजर लॉन्गिट्यूड. अब लॉन्गिट्यूड की एक खास बात ये है कि ये सारी की सारी जितनी भी यहाँ से लेके यहाँ तक है सबकी लेंथ जो है सबकी सेम रहती है, और ये एक दूसरे को कट अक्रॉस करती हैं. कट अक्रॉस कैसे करती हैं, जब ये यहाँ से लेके पोल से लेके इस पोल्स तक जाएंगी तो ये एक दूसरे को यहाँ पे मिलेंगी ये सारी की सारी. इसलिए आप जब अर्थ का मॉडल देखते हैं, अर्थ को अगर कहीं पे देखेंगे तो ऐसी ऐसी कुछ लाइंस जा रही होती हैं उसके अंदर, है ना, तो इन वाली लाइंस को आप लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. तो लैटिट्यूड्स जो है दे आर पैरेलल, बट लॉन्गिट्यूड्स जो है वो कट अक्रॉस करती हैं. प्लस इनकी जो लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर के ऊपर रहेगा इनके बीच का डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ये जीरो पे पहुंच जाएगा नॉर्थ और साउथ पोल तक पहुंचते, ठीक है. सो दिस इज, अगर आप कहीं पे भी मॉडल देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, या फिर आपको कहीं पे मैप्स पे अगर आपको इनको समझना होता है, तो आप जरूर ये चीज देखोगे कि आप कभी भी ये देखते हैं कि वहां पे हमेशा जो इनकी चीजें होती हैं उनको, जस्ट अ मिनट, तो ये जो लाइंस हैं उनको इस तरीके से दिया जाता है, जैसे कि एक कट अक्रॉस पेपर, जैसे कि आप एक ग्राफ पेपर देखते हैं वैसे इन लाइंस को दिया जाता है. बट इन रियल लाइफ ये वाली जो लाइंस है वो ऐसे नहीं कट अक्रॉस करती हैं, ये कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और पैरेलल्स जो है, जो लैटिट्यूड है वो बिल्कुल पैरेलल होती है. अब लैटिट्यूड्स के अंदर क्या फैक्ट था कि उनका जो लेंथ है वो, उनकी जो साइज होगा, जो उनका लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज करेगा, पर ये जो है सारी की सारी सेम रहेंगी यहाँ से लेके यहाँ तक. पर इनके अंदर फैक्ट क्या होगा कि एक लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस दूसरे लॉन्गिट्यूड से जो है वो डिक्रीज करता रहेगा इक्वेटर से लेके पोल्स तक जाते जाते, ठीक है. तो ये चीज आई होप समझ में आ गई है आपको. कोई भी डाउट हो तो इसके ऊपर आप पूछ सकते हैं. तो इस जीएमटी के एक साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और एक साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर है. अब ये बात नहीं है कि ये वाली जो लाइन है वो यही क्यों ली गई. अब इक्वेटर का तो बीच में होने का एक रीजन है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसकी लेंथ जो है वो कम हो रही है, पर लॉन्गिट्यूड को हम किसी को भी मिड में ले सकते हैं. मान लीजिए इंडिया के बीच में से जो पास हो रही है हम उसको भी एक मिड वाली लाइन जो है वो समझ सकते हैं. बट क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री के आसपास एक लेबोरेटरी लाई करती है जिसका नाम है ग्रीनविच लेबोरेटरी, जहां पे कि फर्स्ट टाइम इस चीज को ऑब्जर्व किया गया था. तो उस टाइम पे इसीलिए इस ग्रीनविच प्लेस जो है वहां से पास होने वाली लाइन को 0 डिग्री मान लिया गया था, और वहां से इधर वाली लाइन को आपने कह दिया वेस्टर्न, एंड इससे इधर वाली लाइन को आपने कह दिया ईस्टर्न, ठीक है. तो आप ये लाइन जो है वो कहीं पे भी ले सकते थे, बट क्योंकि जिस टाइम पे ये लिया गया उस टाइम पे ग्रीनविच लेबोरेटरी जो थी वो वन ऑफ द मेजर लेबोरेटरीज इन द वर्ल्ड थी, तो उसने अपनी लोकेशन के हिसाब से इस चीज को फिक्स कर दिया, और तब से हम वही चीज जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. तो सारी की सारी जीएमटीज इक्वल होती है, पर इक्वेटर जो है, जो लैटिट्यूड है वो सारी के सारे इक्वल नहीं होते हैं. ओके, सो थोड़े से फैक्ट्स पढ़ लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में. They are used to find how far east or west these places are from a given line of reference. कोई भी line of reference आप इसके लिए ले सकते हैं, which run from north pole to south pole. ठीक है, these lines of reference are called as meridians of longitudes. Latitudes को क्या कहते थे? Parallels of latitudes, जिनको कहते हैं meridians of longitudes. Okay, they are semicircles. ये सारे के सारे semicircles हैं. The distance between them decreases
स्टडीली पोल वर्ड्स, ठीक है, यही हमने अभी तक बात की है। तो इनको अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आप प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्विवेलेंट एंड देयरफॉर इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। जो हमने चीज बात की है वही वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। अब एक फैक्ट जो आपको और समझना होगा वो ये कि अर्थ ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ पे आके खत्म हो गया या यहाँ पे आके खत्म हो गया। एक्चुअली तो ये पूरा राउंड है, राइट। एक्चुअली तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही चीज जाएगी। तो ये वाली लाइन जहाँ पे ये एंड होगा और ये वाली लाइन जहाँ पे ये एंड होगा, ये दोनों सेम लाइन है। यानी कि आप जीरो से इधर आएंगे 180 तक और यहाँ पे इधर जाएंगे 180 तक, राइट। तो इधर आएगा आपका 180 वेस्ट और इधर आएगा 180 ईस्ट, बट एक्चुअली 180 ईस्ट और 180 वेस्ट दोनों सेम ही लाइंस होती हैं। और इस लाइन को आप एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि हम आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि इसके बारे में थोड़ा कुछ। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि वो लाइन जिसके आगे की दोनों लाइन जो है वो मिक्स हो जाती है, 180 ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो अब एक और चीज इसके अंदर, अब जैसे कि हमने वहां पे लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस कहा था वो कितना था, 111 किलोमीटर, ठीक है। बट इनके अंदर कितना, इनके अंदर इक्वेटर के ऊपर तो उतना ही है ऑलमोस्ट। मतलब जो हम ऐसे ऐसे ये ग्राफ के ऊपर बनाते हैं कुछ इक्वल दिखने वाले, तो वो इक्वेटर के आसपास तो ठीक रहेगा। इक्वेटर के आसपास लैटिट्यूड्स के बीच में भी लेंथ कितनी है, 111 किलोमीटर, और लॉन्गिट्यूड्स के पास भी। पर ये जो डिस्टेंस है ये कम होता जाएगा एज यू गो टूवर्ड्स पोल्स, विच विल बी 0 किलोमीटर, ठीक है, अराउंड। और 45 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास इट विल बी 79 किलोमीटर। अब दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि हम बिल्कुल इस पॉइंट पे देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसमें से एक डिग्री एक एक उसकी बात करें, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं, तो होल ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 आवर ईच। अभी 24 टाइम जोन क्यों रखा है, बिकॉज 24 आवर्स इज द ड्यूरेशन जिसमें की अर्थ रोटेट करती है, इसीलिए हमने 24 टाइम जोन के अंदर इसे डिवाइड कर दिया। अब जब हमने इसको 24 आवर्स को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया, तो होल 360 डिग्री ऑफ अर्थ गॉट डिवाइडेड इंटू 360 डिग्री ऑफ अर्थ गॉट डिवाइडेड इंटू 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ईच। तो ये हम अगर 15 डिग्री के आसपास तक जाते हैं, यानी कि 1, 2, 3 करते करते 15 तक जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक घंटे का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर 0 हो रहा था, यहाँ पे अगर 12 बज रहे थे, तो यहाँ पे अभी सेम टाइम पे 1 बज रहे होंगे, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। बेसिकली दिस इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट, लॉन्गिट्यूड। जैसे हमने लैटिट्यूड्स का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा था कि लैटिट्यूड्स का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था हीट जोन्स में डिवीजन होना, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है टाइम जोन्स में डिवीजन होना, ठीक है। तो इसको अगर आप एक बार समझना चाहते हैं, तो एक बार पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है वो वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। अब जब वो इस तरीके से रोटेट करेगी, तो पहला घंटा जो है वो यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ से आप इधर इधर देखेंगे, अब अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, राइट, अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया होगा वो फर्स्ट आएगा अर्थ के सन के सामने, और ऐसे ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। इसीलिए अगर आप ये कंट्री देख रहे हैं, तो ये जापान है, जापान जिसका कि सबसे पहले टाइम, जहाँ पे सबसे पहले सूरज जो है वो उगाता है, एक्चुअली सबसे पहले इन कुछ एरियाज के अंदर उग के आएगा। तो यहाँ यहाँ से सन का जो है वो पाथ जो है वो चलता रहेगा। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पहले जो है हमारा दिन हो जाएगा, दिन हो जाता है, ठीक है, वहां पे। तो अर्थ वैसे ईस्ट रोटेट करेगी, और वो प्लेसेस जो ग्रीनविच टाइम से पहले आते हैं, मतलब अगर आप ऊपर जाएंगे, अगर आप इसके अंदर जाएं, तो ये GMT से पहले आने वाली प्लेसेस, जो इधर वाली प्लेसेस हैं सारी, ठीक है, तो वो वाली सारी प्लेसेस जो हैं इधर आने वाली, वो उनका जो टाइम है वो उससे पहले का होगा, अर्लियर, और इनका जो प्लेस टाइम होगा वो उससे बाद का होगा। मतलब अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे सुबह के 11 बजे होंगे। मतलब यू कैन से कि हाँ, कि यहाँ पे भी दोपहर के 12 बजने हैं जिस समय पे, तो वो ये ऑलरेडी यहाँ पे वो टाइम जो है वो पास हो चुका होगा। यहाँ पे अभी सुबह हो रही होगी, मतलब यहाँ पे उस दिन का टाइम जो है वो पास हो चुका होगा। यहाँ पे प्लस जाएगा, मतलब यहाँ पे 12 नून है
आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई गॉट रियली कंफ्यूज, बट आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं एकदम से लगातार इतना ज्यादा बोल रही थी, दैट इज व्हाई दैट हैपेंड, रियली सॉरी फॉर दैट. ठीक है, सो दिस इज 12 नून, यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहाँ पे दोपहर का 1 बज रहा होगा, यहाँ पे दोपहर के 2, यहाँ पे दोपहर के 3, और ऐसे आगे आगे. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे, इंडिया का टाइम है 5:30 घंटे आगे है GMT से, तो यहाँ पे दोपहर के 12, तो यहाँ पे शाम के 5:30 जो है वो बज रहे होंगे. ऐसी ऑस्ट्रेलिया का टाइम अगर आप देखोगे तो वो उससे भी आगे रहेगा. ठीक है, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले सूरज यहाँ पे उगेगा, उस टाइम पे सारा एरिया जो है वो इससे पीछे जो है वो चल रहा होगा. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. प्लस इसके अंदर जो आपने एक चीज नोटिस नहीं करी या नोटिस करी होगी, तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इट इज अ ज़िगज़ैग लाइन, राइट, कि ये स्ट्रेट नहीं है जैसे कि हमने बाकी सारी लाइंस की बात की, इक्वेटर की, ट्रॉपिक्स की, या फिर GMT की. ये ज़िगज़ैग लाइन है. ये ज़िगज़ैग लाइन क्यों है, रीजन बीइंग कि ये वाला जो एरिया अगर आप देखते हैं तो इसके यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स लाई करते हैं जिसके कारण कि अगर ये उनके बीच में से पास होगी 180 डिग्री, तो उनका जो टाइम जोन है वो या तो इधर का हो जाएगा, या मतलब ना तो वो इधर करेगा ना वो इधर का, मतलब एक ही आइलैंड के ऊपर आपको दो टाइम जोन मिलेंगे कि आप एक ही आइलैंड के ऊपर या तो आप आगे चल रहे होंगे या तो पीछे चल रहे होंगे. सो दिस इज ऑल ह्यूमन डिवाइस थिंग्स, राइट, कि ह्यूमन ने ये चीजें जनरेट किए. तो उन्होंने ये थोड़ा सा एक चीज का फर्क रख लिया कि जो लोग यूएसए का टाइम जोन फॉलो करना चाहते थे, दिस इज यूएस, राइट, एंड दिस इज रशिया. तो जो लोग यूएस का टाइम जोन फॉलो करना चाहते थे उनको थोड़ा सा लाइन यहाँ पे से हटा दी, तो ये इन लोगों का टाइम जोन यूएस वाला सेम हो गया, और जो रशिया वाला करना चाहते थे उनका थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो इस कारण रशिया का सेम टाइम यहाँ पे हो गया. ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा कुछ आप अगर जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होते रहेंगे, बट जो चीजें आपको समझनी थी, पहली बात अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे के अंदर, ठीक है, यानी कि हो गया 15 डिग्री 1 घंटे के अंदर. ठीक है, तो यानी कि जब 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच पे, तो जब 15 डिग्री ईस्ट होगा ग्रीनविच का, वहां पे कितने बज रहे होंगे, 1 घंटा आगे, यानी कि जो हमने अभी बात की, और जैसे उससे हम अगर वेस्ट में जाएंगे तो वहां पे कितना होगा उनका, 1 घंटा पीछे. ठीक है, और वैसे ही 15 डिग्री वेस्ट पे वो 1 घंटा पीछे चल रहा होगा. ये सब मेन चीज थी जो आपने इससे समझनी थी. ऐसे ही सारे जगह का टाइम जो है वो सेट किया जाता है, और एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो प्लेस कर दी जाती है जिसके हिसाब से पूरे देश का जो टाइम है वो सेट किया जाएगा. ये वाली जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इंडिया में क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसका कि आप 82:30 ईस्ट मेरिडियन के हिसाब से फिक्स किया हुआ है, जिसका कि जिसके ऊपर की यानी कि ये वाली जो मेरिडियन है इट इज 5:30 प्लस GMT. ओके, सो ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है कि बहुत ही ज्यादा आपको इनको याद रखना है या कुछ भी. ये चीज जरूर याद रख लेना है 82:30 ईस्ट वाली, उसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो याद रखोगे हमेशा तो ही काम चलेगा. सिर्फ कुछ चीजें, बेसिक चीजें, अगर आपको ये पता है कि अर्थ के ऊपर 24 घंटे होते हैं, सबको पता है, राइट, अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है, वो कैसे, बिकॉज 360 डिग्री ही एंगल बनता है मैक्सिमम, जिसमें कि आप पूरा उसी प्लेस पे पहुंच जाते हैं, दैट इज वाई 360 डिग्री हो गया. इतना आपको पता है तो आप कभी भी ये फैक्ट लेके इनको कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं. एंड दिस इज अ मैप ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम जोन्स ऑफ द अर्थ, कि किस तरीके से टाइम जोन्स जो है वो डिवाइडेड हैं वर्ल्ड के अंदर. तो अगर आप एक बार इन्हें देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इन टाइम जोन्स को ध्यान से देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे टाइम जोन जाएगा. देख लीजिए आप ऊपर थोड़ा सा देखें तो 0 है यहाँ पे GMT पे, यहाँ पे +1, +2, +3, +4 ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ पे -1, -2, -3 इस तरीके से जा रहा है. ओके, अब अगर हम ऊपर की तरफ पे पहुंचे नॉर्थ पोल के ऊपर, तो दिस इज समथिंग जैसे नॉर्थ पोल दिखेगा, और क्योंकि हमने कहा कि लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पे आके सारी मिलती हैं, राइट, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. और ये जो आपको ये सर्कल दिख रहा है ये वाला, दिस इज नथिंग बट आर्कटिक सर्कल जिसकी जो कि है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर. तो नॉर्थ पोल से कुछ इस तरीके से दिखेगा. बेसिकली जो नॉर्थ पोल है वहां पे मैक्सिमम वाटर आपको मिलेगा, वहां पे मैक्सिमम वाटर है. और आर्कटिक, अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, वहां पे कोई प्लेस जो है वो नहीं लाई करती है. तो ये आर्कटिक सर्कल के अंदर वाले एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, और ये वाला जो बिल्कुल आप 90 पे पहुंच जाएंगे उसको आप नॉर्थ पोल जो है वो कहते हैं. ठीक है, और नॉर्थ पोल पे सारी लॉन्गिट्यूड जो है वो आपस में मिलेंगी. ऐसी अगर हम साउथ पोल की तरफ जाए तो साउथ पोल इज एक्चुअल लैंड, उस लैंड का नाम क्या है, एंटार्क्टिका. तो ये एंटार्क्टिका नाम की जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो साउथ पोल पे लाइक करता है, और यहाँ पे भी ऐसी सेम तरीके से आपको लाइन जो है वो मिक्स होती हुई दिखती हैं.
ठीक है, और ये वाला जो सर्कल है जहां से कि 66.33 ये दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, जो हमने 66.5 डिग्री पे किया था। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखें इस मैप के अंदर भी, तो ये देखिए, ये दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से लाई कर रही है, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लाई कर रही है, तो ये दोनों एक ही लाइन के, एक ही चीज के दो पहलू हैं। एक ही अगर आप इनको सर्कल लेंगे, जिसकी इक्वेटर है वो पूरा एक के अंदर ही डिवाइड करता है पूरे अर्थ को, ये दोनों मिलके पूरे अर्थ को एक दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं, एक तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ऐसी ये जो लाइंस हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैच होती हैं, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आके मिलती हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर आप पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा इसके अंदर समझने वाला फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक बार ये समझ लेते हैं कि आपको अगर किसी प्लेस को लोकेट करना है तो वो हम कैसे लोकेट करेंगे। तो किसी भी प्लेस को लोकेट करने का एक तरीका है कि आपको अगर उसके लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चल जाए, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चल जाए, तो उससे क्या होता है कि आप अगर उनकी, जैसे कि मान लीजिए कि आपको अर्थ का पता है, दिल्ली को अगर हम लोकेट करने की कोशिश करें तो दिल्ली का जो लेटिट्यूड है दैट इज 28.7 डिग्री नॉर्थ, यानी कि यहाँ जीरो से हम ऊपर की तरफ जाएंगे 28.7 की तरफ, तो यहाँ पे कहीं पे 28.7 आएगा, राइट। तो और वैसे ही हम 77.5 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम इधर इधर आते हुए थे, ये कुछ 60 है, ये 75 हो गया, और 75 से इधर कुछ यहाँ पे 77 आ गया। तो इस तरीके से आप दिल्ली की लोकेशन जो है वो बता सकते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे कौन से आएंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वाले जो, मतलब बेसिकली आप इस चीज को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको अगर ये चीज समझ में आ गई किस तरीके से आप इसको जाएंगे तो आप ये बिल्कुल आसानी से बहुत कर सकते हैं, राइट। ऐसी अगर हमें नॉर्थ की जगह साउथ होता, अगर मान लीजिए इसकी लोकेशन होती 28.7 साउथ, तो आप यहाँ से इधर की तरफ जाते और सेम ईस्ट होते तो यहाँ से यहाँ जाते, वहीं अगर ईस्ट की जगह वेस्ट हो जाता, नॉर्थ यही रहता, तो आप यहाँ से यहाँ की तरफ जाते, ठीक है। तो बहुत इजीली आप इस चीज को ये समझ सकते हैं, ज्यादा कुछ साइंस नहीं है इसके अंदर, एक बेसिकली सी चीज है, छोटी सी चीज है कि आपको चार क्वाड्रेंट्स हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ पे ये चीजें लाई करेगी। इक्वेटर से ऊपर है तो नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे है तो साउथ, जीएमटी से इस वाली साइड है यहाँ पे है तो ये वेस्ट हो गया, और यहाँ से इस साइड है तो ये ईस्ट हो गया। ओके, सो अगर हम ग्लोब की बात करें, अभी तक हमने जितना भी अर्थ को पढ़ा हमने सारा ग्लोब के थ्रू पढ़ा, तो ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, अगर हमने अर्थ को पूरी तरीके से पढ़ना है, बट अगर हमने सिर्फ एक पार्ट को पढ़ना है जैसे कि एक कंट्री को, एक स्टेट को, तो ये ग्लोब जो है वो हमें उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि ग्लोब को क्या करना है, पूरे अर्थ को एक जगह पे दिखाना है, पर हमें जब एक जगह की स्टडी करनी है, हमें मान लीजिए किसी कॉन्टिनेंट की डिटेल में जाना है, तो वो नहीं हमें उतना अच्छे से बता सकता, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैप्स। तो मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग ऑफ अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रोन ऑन अ फ्लैट सर्फेस। तो पर अगर हम देखें तो क्या राउंड को कभी भी अगर आप सीधा कर दो तो कभी वो पूरे प्रॉपर तरीके से फ्लैट हो सकता है? मान लीजिए अगर आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, आपने कोई बॉल ली हो और बॉल को बीच में से काट के उसको स्ट्रेट करने की कोशिश की हो, तो क्या वो कभी भी पूरा फ्लैट बन सकता है? उसके अंदर कहीं ना कहीं पर रिंकल्स जो हैं वो पड़ेंगे, जिसमें कि उसको आप, या तो आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा या तो आपको उसको डिप्रेस करना पड़ेगा, मतलब छोटा करना पड़ेगा। इसी के कारण मैप्स कभी भी एग्जैक्ट नहीं बताते, बट दे हेल्प अस टू स्टडी इन डिटेल्स, ठीक है। और इन मैप्स के ऊपर चार कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और उसके अलावा चार इंटरमीडिएट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस ग्लोब्स एंड मैप, जिसको कि आपको एक बेसिक तरीके से समझना था। उसके अलावा आपका ये वर्ल्ड मैप है, इस टाइम का जो आप देखेंगे वर्ल्ड मैप इस तरीके का कुछ दिखता है, ठीक है। तो हमने इस पूरे वर्ल्ड मैप को धीरे धीरे करके स्टडी करना है, पूरे एक एक जो कॉन्टिनेंट्स है उसको हम स्टडी करेंगे। तो इस कॉन्टिनेंट्स को एक बार स्टडी करने से पहले समझ लीजिए कि एक्चुअली कॉन्टिनेंट्स हैं कितने। तो हम हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं, कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, दिस इज एशिया, then Australia and then Antarctica. So these are 7 continents along with 7 oceans. ये 7 oceans कौन से हैं? इस area में कुछ lie करते हैं?
नॉर्थ अटलांटिक और नीचे साउथ अटलांटिक, मतलब ये पूरा एक ओशियन है, बट क्योंकि ये बीच में इक्वेटर आ जाता है तो इनके पूरे करेंट्स एंड ऑल भी वो डिफर कर जाते हैं, इसके कारण हम इसे दो ओशियंस में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक। ऐसे ही सेम विद पैसिफिक, यहाँ से लेके पूरा अगर आप देखो इधर पूरा पैसिफिक ओशियन है, तो इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पैसिफिक और नीचे साउथ पैसिफिक। इंडियन ओशियन ऐसे डिवाइडेड नहीं है बिकॉज उसका जो सारा सिस्टम है वो एक सिंगल तरीके से चलता है। ओके, ऊपर और प्लस ये फाइव ओशियंस के अलावा ऊपर टॉप पे आ गया ये आर्कटिक ओशियन, जो कि इन पूरे सीज से इसके अंदर पानी जा रहा है, एंड सेम सदर्न ओशियन इधर आ गया जिसके अंदर की साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन से सारा पानी इसके अंदर आ गया। सो दिस इज सदर्न ओशियन। ठीक है, सो अब हमने एक एक करके इन कॉन्टिनेंट को पढ़ना शुरू करना है। सो हम फर्स्ट जिस कॉन्टिनेंट से अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे दैट विल बी यूरोप, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर हम पहले इसकी कंट्रीज देखेंगे कि इसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं, कहाँ कहाँ पे लाइक करती हैं, और उसके बाद हम इसके फिजिकल फीचर्स जो है उनको ध्यान से पढ़ेंगे। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज रियली रियली यूजफुल फॉर यू, कि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें जो है वो फेमस जो चीजें थी आपकी समझने वाली उनको पढ़ा, लैटिट्यूड्स को पढ़ा, राइट, लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ा उसके बाद हमने, एंड उसके बाद हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से होते हुए हमने उनके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे उनको देखा, और उसके बाद हमने समझा कि अगर आपने किसी चीज को लोकेट करना है तो आप किस तरीके से इन्हें लोकेट करेंगे। तो अब आई होप दिस सेशन वॉज रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप कोई भी रिव्यू देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट्स के अंदर जाके दे सकते हैं हमें इस चीज़ के बारे में। कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई वो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, जो कि आप रिपीट करना चाहते हैं। वी विल ट्राई कि आपका जो कमेंट है उसको समझ कर अगले जो हमारे लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम उस चीज़ को एक बार रिपीट करा सकें, बिकॉज ये हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, हमारा मेन मकसद है आप तक चीज़ें पहुंचाना, आपको चीज़ें समझाना। बिकॉज अगर आप ऑनलाइन की मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मिलेंगी अलग अलग तरीके से, बट कहीं पे भी आपको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में चीज़ें नहीं मिलती हैं जिसके बाद के आपको कहीं और जाना ना पड़े। बट आई गारंटी यू कि अगर आपने ये सेशन देखा तो आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड आपको कभी भी कोई बुक उठानी नहीं पड़ेगी, चाहे वो प्लस वन लेवल की हो, चाहे वो हायर लेवल की हो, चाहे वो लोअर लेवल की हो, चाहे उसमें 20 पेज दी हो, चाहे उसमें 15 पेज दी हो। ये एक घंटे का सेशन है, जितना कि देर का भी ये हुआ है अभी तक, अराउंड 45 मिनट्स के आसपास का आई होप ये हुआ होगा या उससे थोड़ा कम रहा होगा। तो जितनी भी देर का ये सेशन जो है वो रहा है, उतनी देर का अगर आप एक बार समझ लेंगे तो इसके बाद आपको कोई और उठानी नहीं पड़ेगी। प्लीज गिव अस फीडबैक बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद सम न्यू कोर्सेज, हम कुछ न्यू कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, सो वी रियली नीड योर फीडबैक टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या चीज़ें एक्चुअली चाहिए जो कि इसके अंदर आपको नहीं मिल पा रही है, या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहते हैं, जो कि जिनके ऊपर कि आप एक अलग से वीडियो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो डू कमेंट एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इसके बाद हम आपसे अलविदा लेते हुए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सेशन, एंड बने रहिएगा आगे भी हमारे साथ। थैंक यू सो मच, thank you all of you for listening to me.